नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की समिट जो है वो इस साल की अब शुरू हो चुकी है। ये बैठक 15 और 16 अक्टूबर को जिस तरीके से आपको बताया गया था ये होनी है, और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि इन तस्वीरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, जिस तरीके से शहबाज शरीफ से वो बीती रात मुलाकात करने के लिए पहुंचे, बताया जा रहा है कि रात्रि भोज के लिए मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन एक टशन जिस तरीके से जयशंकर का जब से वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं, पाकिस्तान पहुंचे हैं, तब से नजर आ रहा है। कल जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तब वो एक स्वैग जो उनका नजर आ रहा था वो रात तक कायम रहा, बरकरार रहा, और जब वो शहबाज शरीफ से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो शहबाज शरीफ रेड कारपेट पे उनका इंतजार कर रहे थे, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शहबाज शरीफ पहले से ही आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में कि किस तरीके से हाथ बढ़ाए खड़े हुए हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। जयशंकर जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, कुछ बात होती है, लेकिन जो गौर करने वाली बात वो ये है कि शहबाज शरीफ मंद मंद मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से आंख जयशंकर से मिला नहीं पा रहे हैं, ज्यादा कुछ बातचीत हो नहीं पाई, थोड़ी बहुत बातचीत होती है और उसके बाद जयशंकर आगे की ओर चले जाते हैं जहां पर रात्रि भोज का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। आपको बता दें कि इस साल शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक है, जो अध्यक्षता है, वो पाकिस्तान कर रहा है। इससे पहले भारत में गोवा में इसकी बैठक हुई थी, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी जो बिलावल भुट्टो हैं तब आए थे, लेकिन जो भारतीय विदेश मंत्री हैं करीब नौ सालों बाद वो विदेश मंत्री पाकिस्तान गया है, इस्लामाबाद में इस बैठक के लिए पाकिस्तान की धरती पर गया है। और वहां जाने से पहले जिस तरीके से जयशंकर ने कह दिया था कि भारतीय जो लोग हैं या फिर भारतीय जो दल है वो कोई द्विपक्षीय बैठक, सीधी बैठक जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा, किसी भी अन्य मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, जो बैठक होगी सिर्फ शंघाई सहयोग बैठक की उसमें सम्मिलित होने के लिए भारत जो है वो जा रहा है, और मैं सिर्फ उस बैठक में ही शामिल होकर वापस भारत लौट आऊंगा और कोई भी बातचीत अलग से नहीं होगी। हालांकि इस बात को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं गुहार लगाई जाने लगी, बात सामने आने लगी। बताया गया कि बिलावल जो भुट्टो हैं उन्होंने भी कहा कि भारत को द्विपक्षीय बैठक पाकिस्तान के साथ करनी चाहिए, कुछ बातचीत जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस बात से साफ इनकार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कर दिया था कि कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। हालांकि इस तरह की कई और तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़।